आगामी समय में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के पूर्व जहां भाजपा लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी आयोजनों की दौड़ में शुरुआत कर चुकी है। इसी कड़ी में आज सांवेर नगर में कांग्रेस का एक आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, नेता व समाज सेवियों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन, इंदौर जिले के अध्यक्ष सदाशिव यादव व अन्य नेताओं की मौजूदगी में सांवेर में कांग्रेस का एक आयोजन हुआ, जिसमें सेवा दल व कई समाज सेवियों का सम्मान किया गया। साथ ही इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी को उपचुनाव में जीत के लिए भी आह्वान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में जनादेश देकर 2018 में कांग्रेस पार्टी का राज तिलक किया था, और कुछ छदम लोगों ने इस जनादेश को बेचने का काम किया और चुनी हुई सरकार को गिरा करके इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। उसका आज 125 दिन पूरा हुआ है। इसको आज हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन 100 दिनों में प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध उत्खनन, अवैध शराब की तस्करी और न जाने कितनी अवैध गतिविधियों को ये सरकार बढ़ावा दे रही है, और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, या ये कहें कि ख़त्म हो चुकी है। इसकी विरोध करने के लिए आज काला दिवस हम लोग मनाने हैं। किसानों को, गरीबों को बिजली के बिल बहुत ज़्यादा अधिक दिए गए हैं, उसके लिए आप क्या? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए में इस प्रदेश के हर आदमी को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, और इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनते से ही शिवराज जी ने सबसे पहले जो आम आदमी को इस प्रदेश के बिजली बिल में राहत मिल रही थी, उसको वापस लेने का काम शिवराज सिंह जी ने किया है, और इस प्रदेश की जनता से लूट, एक संगठित लूट बना करने का इन्होंने एक तंत्र इस प्रदेश में स्थापित। आपका नाम? आशुतोष बिसेन। सांवेर से जीतू माथुर की रिपोर्ट।